नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में और मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। असंद के वार्ड 6 से आज फिर आप सबके सामने लाइव हुआ हूं। असंद तहसील जिला करनाल हरियाणा से लाइव तस्वीरें आप सबके सामने लेकर आया हूं। वार्ड नंबर 6 इंदिरा कॉलोनी से आप सबके बीच एक बार फिर लाइव हुए हैं। यहां पर लोगों की समस्या है, लोगों की समस्या है और उन उसी समस्या को लेकर एक बार फिर हम लाइव हुए हैं। असंद के वार्ड नंबर 6 से इंदिरा कॉलोनी से लाइव तस्वीरें आप सबके सामने पहुंच रही हैं और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े इन तस्वीरों को शेयर जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। क्या है समस्या वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि असंद वार्ड नंबर 6 इंदिरा कॉलोनी से आप सबके बीच हम लाइव हुए हैं। यहाँ के वासियों की बेहद गंभीर समस्या है, उसी समस्या को लेकर एक बार फिर हम आप सबके बीच लाइव हुए हैं। क्या है समस्या वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो भी साथी हमारे साथ जुड़े शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। असंद से लाइव हुए हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग परेशान हैं और इसी के चलते आज इन्होंने हमसे कॉल की और कहा कि सर हमारी समस्या को भी समाधान के लिए प्रशासन तक पहुँचाए, हमारी आवाज़ भी प्रशासन तक पहुँचाए। वेद सिंह राणा, राम राम जी पोपड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करके। राम राम करें भाई जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। असंद वार्ड नंबर 6 से लाइव हुए हैं आप सबके बीच और क्या है समस्या वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो भी साथी हमारे साथ जुड़े इन तस्वीरों को शेयर जरूर कर दें। असंद की इंदिरा कॉलोनी से लाइव हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 2 दिन से बरसात हो रही है और उसी के चलते इन लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कॉलोनी के अंदर निकासी नहीं है पानी की, जो सीवरेज हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि ये सीवरेज हैं यहाँ पर जो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं और पानी का रास्ता नहीं है और इसी के चलते इन लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनके मकानों के अंदर जो नींव है उसके अंदर पानी मर रहा है। पानी मरने की वजह से इन मकानों की हालत कभी भी दयनीय हो सकती है और इन मकानों में दरारें आ सकती हैं और जिससे बना बनाया इनका आशियाना वो ढह सकता है, गिर सकता है। यहाँ पर इन कुछ तस्वीरें उन्होंने दिखाई थी कि पानी ना निकलने की वजह से यहाँ पर ओवरफ्लो हो गया था। ये नाले पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और दीवारों के अंदर पानी मरता जा रहा है। जो सीवरेज है, सीवरेज की समस्या है। रोहतास सिंह, राम राम, राम राम भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं असंद के वार्ड नंबर 6 से और यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर उनकी समस्या क्या है, क्यों वो बार बार हमें फ़ोन करके बुला रहे हैं कि सर आओ हमारी समस्या को सुनो। ये वो स्थान है जहाँ पर बेहद ज़्यादा पानी इस दीवार के अंदर मर चुका है। जी क्या नाम है जी आपका? जी कर्मवीर। क्या नाम है? कर्मवीर। मेरे बेटे का नाम कर्मवीर, मर रहा है, गुजर रहा, मैं तभी दुआ लगाई। मकान आपका है? हाँ मेरा। जी क्या समस्या आपको? भैया समस्या है जो इसका पानी जहाज दुआर के वहाँ मरा है, कोठी बनाई थी सारी भीतरे पानी मरा है। यहाँ मरता पानी? हाँ ये मर लग रहा है, देख लो आप। अरे सारा इसमें नाली में दुर्की है, दुर मर रहा है। जो जी मकान पड़ गया तो क्या करेंगे बताओ? इसको इतनी समस्या हो रही मकान की, एक भैया किसी का रास्ता ही नहीं पानी जान का, कहीं भी पर रास्ता नहीं। बेटा मेरा मर रहा, मर्द मेरा मर रहा, कोई भी संगवान वाला निकलो नहीं, मैं कहती बुरा हाल हो रहा है। ब्रान माटी हो रही है, ना पानी का साधन, ना क्या है लिखन का साधन नहीं। शिवर बिल्कुल रुके पड़े हैं। वोट मांगना आवा है? हाँ जी। क्या वोट मांगना आवा है? उसके बाद कोई समस्या नहीं हो रहा है, अन्य कॉलोनी में कोई आएगा पूछता, वोट मांगा जी पाँव पकड़े, फिर हमारी कोई कतर नहीं होती है। तब इन लोगों की याद आती है, जब याद आ हमारी पूछ दे नहीं जी, तुम पाँव पकड़ेंगे बाद वोट दे दे यार, फिर हमारी कोई नहीं सुनता। हो रहा है चाहे डूब का मरा, चाहे हमने सांप खावा, डूब
फिर हमारी कोई नहीं सुनाई करता। सारी दीवार पड़ी खड़ी है, सारी दीवार गिर गई, उसके दौरान साधन नहीं है, प्लाट हम अगले बना देनी, अरे सारी दीवार गिर गई, बीच में मकान है, न्यून भी सांप बड़े न्यून भी बड़े, बीच में मकान न्यू का न्यू पड़िया है ना, अगले संभाल दे अपने मकान नायन के, उसका सब दान करो जी, न्यून एक न बना दिया, न्यून मना बना दिया, बीच में न्यू का न्यू पड़िया ना, टूप जी मरका है जी, 10 साल 20 हो गए गिर रहा है उड़े। खाली प्लाटा का समाधान करो, रुकरे बंद पड़े सारे पाने मर गया दुआरा में कोफले रहना जी, अपना बनाओ तो ठीक है, ना दुख बरसात हो फिर भी मेरा बिना बरसात भी पानी चल रहा समरसिया के भी पानी मरा। आप अधिकारियों के पास गए हो शिकायत लेकर? नहीं हम तो गए हैं जी, हम तो सारे 10 बार जाइए कोई सुनाई नहीं मारी था जी। कुछ साथी हाँ जी जिस देखो सारी तो दीवार मकान सारे मकान बैठे सारे पाइप टूटे, कोई आगे पानी नहीं जाता ना किसी खंभे पर ट्यूब है ना, ये भी आप देखो खाली प्लाट भरे सब पानी के भरे हैं, सांप निकल निकल के घर में बड़ा है, कोई सुविधा नहीं हमारी कॉलोनी में कोई भी, हम जा भी कमेटी में भी जा लिए, नगर पालिका के हम जा लिए, सब जा लिए सारी जगह, हाँ वोट मांगने वास्ते हाँ, बाकी कोई यहाँ का यहाँ नहीं संभालता, वोट मांगा जब तो यहाँ आएंगे फिर बाकी कोई नहीं संभालता हमें। सही बात है, ये सारा पानी भरा पड़ा, कल 2 दिन की बारिश हुई है, उस बारिश के अंदर ये सारा समंदर की तरिया हो गए, हम बारने आगे खड़े खड़े सारे कीड़े जानवर सब अंदर जा लागे, नुका बीमारी का सोचता करो, क्या सोचता करो, मेरी सास बीमार पड़ी है और वो अजमा उसने इतना इतनी गंदगी आवे, बताओ क्या करेंगे, सीवर रुके पड़े, आदमी घर का काम करेंगे, एक दुकान पर अपने बच्चे वास्ते काम करेंगे, आगा हम वोट किसे किन देंगे, चाहे कोई हाथ जोड़ो चाहे कोई पैर करो, ये हमारी समस्या दूर करोगे तो जब हम वोट देंगे नहीं, हम वोट नहीं देंगे, जब हमारी गलिया माँ हमारी सुनते नहीं हो नहीं, कमेटी में भी जा लिए सारी जगह जा लिए, कोई सुनाई नहीं हमारी, हम तो बिल्कुल तंग हो रहे हैं, बिल्कुल तंग जी, हम 6 फेरी कमेटी में जा लिए और उड़े भी जा लिए दफ्तर में, कोई सुनाई नहीं करता, 10 कागज लिख के इस बहुत दौरे दरे देख जी, और महीना में बीमार रही, पानी देखिए नुंगली गली में जाए का रोड़े और फिर कह दिया पानी नहीं आंदा फिर मारन खातर बच जाए जी, कर ली हूँ मैं और भी तो पानी बढ़िया एक ही है, आप सभी की समस्या एक है, हाँ एक है, पानी नहीं आंदा आवा तो घर में पड़ा, पीने का पानी भी नहीं आंदा, बस पूछा ना एक दो बाल्टी आवा ये भी 3,000 ले लाके और वहाँ बैठी, ये पाइप सी देर चला जी टूटी का, ना पीने का पानी आंदा ना कोई कुछ, अर्ज अगर अंदर का पानी निकाल भी घर बाहर जाओ पाइप रुक रहे, सारा दीवारा के अंदर मेरा सारे पाइप टूटे पड़े हैं जी, हम तो जमाई तंग हो ना, बाहर बच्चे खेलने जोगे ना कहीं फिरने जोगे, लेकर आते हम यही थोड़ा थोड़ा भाई उसमें तो भरा जी, थोड़ा बहुत चल जाओ उसमें तो थोड़ा थोड़ा भरा जी, बस काम चलाने जोगा आ जाए वही, बाकी भाई थोड़ा थोड़ा करते हो पानी का, हाँ जी बिल भी भरते, बिजली का भी पानी का भी हरेक बिजली बिल तो सारी दरे टूटी के भी दरे बिजली के भी दरे फिर के कर, और जी ऐसे पैप दाब रखे हैं जो चुगने से चुगने 2 मुट्ठी पानी नहीं जाओ इसमें, ऐसे पाइप दाब रखे को बड़े पाइप गेर दे अत जब बीबी आदमी नहीं सोच पानी चले आ जा, ना ने छोटे पाइप है, हाँ 2 गुट पानी नहीं जाता उसमें, और ना ये मुट्ठी पानी की रंगारंग कोई नहीं जानता जी, कोई भी किसी चीज की प्रकार नहीं है, गरीब आदमी है बेचारे, गरीब आदमी है सब बस है बस्ती है, गरीब आदमी है, सुविधा नहीं मिल रही आपको ना, कोई सुविधा नहीं मिल रही, नगर पालिका में गए आप? नगर पालिका में भी गए और फुल सप्लाई में जाए का लेकर नहीं हो पुके है उसमें हॉस्पिटल तक लेकर न्या सरकारी हो रहा है, उसका पर 3-4 बज आया है, 3-4 फेरी जाए आई रकमाटी में जाए आई और ईद के मरा बैठ गया, हम तो जाजा का मर्द मानस भी कोई नहीं सुनाई करता, दरखास्त गंभीर समस्या है लोगों की, बार बार एक ही भीतर देख मेरा पानी नहीं बढ़िया हो तो गरीब बड़ी का इतनी इतनी चाल गई, मैं घर में रसोई लग भी फोटो उतार कर ले जा रहा कमाटी वाला, नहीं ले जा रहा पूछ ले सारे नहीं, तो जो अधिकारी ऐसे लापरवाही बरते हैं उनके खिलाफ आप किस प्रकार मांग करते हो? हम तो नहीं करा भाई यू पानी का भाई सभा दान कर दो, यू भाई यू नहीं रुका शुरू खोल दो, हमने तो 200 रुपये एक और शख्स हमारे साथ है उनसे भी हम बातचीत करना है जी, क्या नाम है जी आपका? पारा सिंह। अंकल क्या समस्या आपकी बताओगे? बताओ समस्या ये सारे जेडी ये बात है पानी तो रुंडे ने पे ये तो ये खुद लिया जो दे रखी है ये भी किथे जाइए जंगल पानी अंदर ही बैग हो जाता है अगर जो सीवरेज है उसकी निकासी नहीं है बिल्कुल यही समस्या बिल्कुल, हाँ इसे एक ही समस्या सारी, बाकी वो जो गड़ी है ना वो मैंने आप बता दी
भाई ऐसे टक्कर, वो टक्कर क्यों है? जो बंदे आ रहे हैं ना पीछे से आप आगे, तो उनके कहने लग के वो आगे बैक हट जाए, क्यों उसने फोड़ नहीं सकते? जब हम फोड़ा तो सरकार मार पे चाहे करे, फोड़ हम भी सका जी, मर्जी होगी के करेंगे, फिर जाके देख लो उसका बंद है। पीने के पानी की भी समस्या है, दो समस्या बहुत बारी है, लेकिन प्लाटा की समस्या जी था दे बरा है, योद्धा मालिकों के लिकट पर है। देखो योद्धा मालिका की हम किसे साथ कोई ना ना इसे क्या कर ला इसके, ये जो दो बात मेन समस्या आपकी है, जो सीवरेज ब्लॉक है, एक पानी नहीं, एक पीने का पानी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, और एक ही बरसात के अंदर घरों में पानी घुस जाता है। बिल तो सरकार पर भरने लग रहे, बिल सरकार, वो जो ट्यूब सरकारी है कोई ट्यूब नहीं है यहाँ पर, कोई बिजली ट्यूब नहीं, तो कोई नहीं ट्यूब, जो किसे देख लो किसे ने आपे लगवा रखी हो, तो एक वो लग रही हो खराब हो रही, उनकी लग रही है जूत आड़िया की, मारी कोई नहीं, जिनके जूत है ना पैरों में उसका है पानी में, और कर क्यों कर बाहर निकला। हाँ जी साल हो गया हम ना कागज ला रखे, या बहु ना पूछो हुआ बालक भी और मैं भी, साल हो गया फुल सप्लाई में धक्के खा कर, नाम बड़े से बड़े लिख के दे रखे इसके इनके दूर है। एक तो आपने पूछो भैया प्लाट किसके हैं, और जो जिसके प्लाट पड़े जी आप इनका उनको बोलो भैया अपने ओटड़े कटाओ और अपना सियोर दबुआओ और अपनी नाली कटवाओ और इनका वर्क कराओ, दीवार ना पड़े अगले की दीवार पर जाओ ओटड़े लेकर उनके मार, आप आइयो जी एक बार शिवर ने खुल रहे खुलने की वजह, जब आप आगे ना पानी नहीं अंदर टूटेगा, आप आगे ना जाओ। चलो कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि समस्या क्या है, और समस्या मेन समस्या यहाँ पर ये है कि इस गली के अंदर जो सीवरेज हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं, और इन खंभों के ऊपर जो लाइट की बात अभी सामने आई है कि यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, सरकार की तरफ से कोई लाइटें यहाँ पर नहीं लगाई गई है इन खंभों के ऊपर, और जबकि ये बिल भरते हैं यहाँ पर जी जी। हाँ जी हाँ जी, तो मानस मर जाए किसी का ट्रेली लेकर आए, देखियो जी न्यू की न्यू ट्रेली पलटा खाएगी, और देखियो जी यो मन्ना बना दिया, यो बुढ़िया ने बना दिया, देखियो कैसे सांप पड़ेंगे इसमें, यो ढूंढने पड़ा, ये कोई साधन है? ये गली कब टूटी है? ये ईब टूटी है जी, ये मकान बना उठी मैं दम छोड़ दिया है, अरे ये उठाकर दीवार गिर गई, ट्रक का ट्रक मुद्दा मर गया जो जी यार, दो बताओ दीवार मट्टी का भरतो और तैयारी गिर दा किसी के मानस सार के मर जाओ, देखियो मेरे पर का नाम होगा गरीब का, वो आगे भी द्वार दे गरीब। लाखों रुपए की लागत से जो ये गली बनाई गई थी ये अब टूट चुकी है, और आगे मकान देखियो जिन्हों फर्ज है उसका, इसमें कितना बुरा हो। सभी साथियों को राम राम, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को राम राम। असंध के वार्ड नंबर 6 से इंदिरा कॉलोनी से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, इस कॉलोनी के अंदर बेहद परेशानियां हैं और लोग यहां के बहुत परेशान हैं, ये सभी लोग अपनी परेशानी आपको बता चुके हैं, बार बार प्रशासन से भी यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए, यहां पर पीने के लिए जो पानी की व्यवस्था है वो भी उचित नहीं है, थोड़ी देर के लिए ही यहां पर पानी आता है और वो भी किसी किसी को ही मिल पाता है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं असंध के वार्ड नंबर 6 से, और प्रशासन के सामने भी बार बार ये लोग गुहार लगा चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं है। इनका कहना कि जब वोट की जरूरत होती है तो इस कॉलोनी के अंदर जरूर आ जाते हैं, कोई नहीं आता जी। देखिए इस मकान में ना रोडों को पानी आया, क्यों नहीं छड़ाई कर दे मारी, मैं बैठ के रो कर पीट कर गरीबनी पूछिए इनके तो पानी भरू में। हाँ जी कोई मसला हाल नहीं, खाली प्लाटन बुरा हाल में चाहे ना पानी ना पूछ ले इसके तो पानी लिया पेट है इसके तो पानी लिया और मना कोई पानी भी नहीं देता, और फिर उरा मेरे घर में पानी करता हुआ वो ये देखे जो कही है ना वो बंद है, एक जिमर है
20 साल हुए मकान न गिर रहा, न्यून एक गरीब आदमी ने बना दिया, न्यून मन्ना बना दिया जी, बीच में सावधान करे नहीं रहा और ना संभाल रहे अपने मकान ने, देखिए किस तरह। अरे यू देख के रखा जो तखर लाग गए के कटेंगे नहीं, पानी के मैं गे रखा बीच के रखा ओ बीच के मैं बचाई ने यू मन्ना बनाया है न्यून। अरे उठा के देख ले कुकर पुलिस के मैं दुआ का गंद मत रो सांप आवे जी मेरे घर तबियत चो आंधी लगाए जी में ये सब करवाओ जी माम तो जो न्यू द्वार पड़ेगी तो क्यों कर मकान बनाओगे न्यू करो जी हमारी और कोई बात नहीं, चाहे तो प्लाटा ना भरो अपनी नीम काट के समाधान करो और नहीं बेचो और नहीं सरकार माओ जिसने काट के दे रखे ना उड़ी जाओ कब्जा करो जिसका मकान रोन लाग रहा गरीब मानस पानी बड़े देखो गली पर सभी का यही समस्या यही समस्या है पानी की निकासी परली गली में नहीं बेचो और नहीं बेच दे और तो गवर्नमेंट कब्जा करेगी अपने बाज बाज के संभालेंगे आप संभालेंगे बाज के सामने बार बार यही गुहार लगा रहे हैं कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए, चाहे जैसे भी हो प्रशासन जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान करे। असंत के वार्ड नंबर 6 से एक ही आवाज अब उठ के सामने आ रही कि हम वोट नहीं देंगे, जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होगा हम वोट किसके खातिर देवा, जब हम दुखी हमारे बच्चे दुखी कोई सुविधा नहीं, हम वोट किसके लिए देवा, किसे के लिए बच्चे अब वोट इसलिए देंगे भाई सुख सुविधा हो, जब सुख सुविधा नहीं है तो वोट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है ना तो कोई खम्भे पे क्यों बच्चे बाहर जा सकते नहीं खेल सकते नहीं। भारत अभियान यहाँ पर फैल होता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से सरकार दावे करती है सफाई के लेकर यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही कि सरकार का अभियान पास हो। किसी चीज की नहीं, ना बिजली की रूसर, ना पानी की रूसर, ना पलाठा की रूसर, ना खाला की पलाठ, गड्डी ले आओ वह गिर जा, मान सम्मान का भय हो रहा जी, मारा था सब दान करा दो और जब वोट देंगे काम साबित करो, और नहीं कोई वोट नहीं देते हम, जो हमारी बिरान माटी हो रही ऊन का बीमारी चल रही है, बीमारी तो या जी खुद मारे घर हम बढ़ रही है, हाँ बालका ने नहीं उबारा कभी कीड़ा काटा लिकड़ी आया कद किसी का लड़ जा, सुनो जी मारी सविता करो और अपना हसके देवेंगे नाट देनी अपर जी मारो सब दान कराओ इस कॉलोनी वोट मांगा जी सारे वादे करा जी वोट वोट देवा जी सारे वादे करता जावा जी बन जाए ना फिर न्यू ना कोई आके देखदा चैमसी और चडैमसी कोई नहीं आके देखदा वो चबला गरीब आदमी ने कोई वोट नहीं देंदे किससे की वोट देंदे एक बार भी मारी एक बार नहीं आके देखा नहीं देखा भी कोई खाली प्लाट है आपका वह मजबी के नाम है नाम का नहीं मेरा वह के नाम है शमशेर ना शमशेर को नहीं जी आप आओगे इकट्ठे आप हो जाएंगे कभी आप यहाँ आओगे प्लाटा के लिए बात चुआस करोगे आपका नाम बताओगे नाम तक नहीं जान दे है? जब आए नहीं है कभी आके देखा ही नहीं है तो उसका नाम किस तरह मना अपने चेयरमैन का भी नहीं पता जब हमारे पास कभी आए नहीं अपने न कोई सुविधा एक बारी गली बना दी सीवर दबवा दे उसके बाद कोई आके देखा नहीं हम इतने दिनों के दुखी हो रहा कोई आके देखा ना कोई खंभे पे इस गली में कोई ट्यूब है भाई इतनी गंदगी फैल रही है स्वच्छता अभियान स्वच्छता के स्वच्छता है कुछ स्वच्छता नहीं है सारी बीमारी है कोरी। देखिए दोस्तों हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई हैं वार्ड नंबर 6 के इंदिरा कॉलोनी से, यहाँ पर बहुत परेशानी है लोगों की और बार बार एक ही गुहार लगा रहे हैं प्रशासन के कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान की जाए। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथ इन तस्वीरों को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर जरूर करें, कुछ और तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसी कॉलोनी की समस्या है ये वार्ड नंबर 6 असंत जिला करनाल हरियाणा से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े इन तस्वीरों को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये गली जरूर बनाई गई थी, लाखों रुपए की लागत से ये गली बनी थी और आज इस गली की हालत आप देख सकते हैं कैसी हो गई है।
एक ट्रैली पलटने की वजह से यह गली भी पूरी तरह से टूट चुकी है और पास में एक प्लाट है जो खाली पड़ा हुआ है, उसी को लेकर भी इनका रोष है, क्योंकि अगर ये छोड़ तो लागी एक समस्या यहाँ पर लोगों की गंभीर है और जल्द से जल्द प्रशासन को इनकी समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए। असंध वार्ड नंबर 6 से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये मकान तेरा? हाँ जी, देख लो कहूँ तो ऊपर आओ मार खाता। ये देखिए पानी रोका नहीं गया, या बीमारी है, या बीमारी है, वह बीमारी है। ऊपर खाली प्लाट, ये गोबर और ऊपर खाली समान और समान देखे लगा देखता ही। हाँ हाँ, बन खड़े आई और नू गा के पड़ा, क्यों नहीं सब दान कर दे। हम चैन मान दो रजाली, हम सी दो रजाली, कोई नहीं आंदा। फिर उरा वोट लेवेंगे, कौन नहीं देने वोट। हम तो जो बनेगी मार गए लो बन जाएगी। और देखिए कोई सुनाई करे हुआ आकर देख लो, कोई भी नहीं आकर जख दवा। क्यों इनके तो पानी लियाऊंगी एक बाल्टी, उनके तो लियाऊं हाँ, और पानी भी नहीं आंदा। या ई बुलाई या फिर भी पानी नहीं आंदा। ये देखो भीतर बड़का इतना इतना मेरा वो बैठ गया था कोठरा। इस रसोई में ना पानी आया, मेरा वो बेहतर रूर है, कोई नहीं सुनाई करता गरीब की। और इतनी इतनी वारी है, ये ईट लोहार की बलो की, और ये भी सारी भीतर बोड़ बोड़ का बोड़ बोड़ का देख क्यों कर बैठी पड़ी। क्या करूं मैं? और देखिए कोई कान दे गाल कर रखी है, देखिए क्यों कर पानी फटी। देखिए यू मच्छर होंगे, शिविर बंद हो चुका है और बंद होने की वजह से जो पानी है वो घरों में घुस रहा है, दीवारों में घुस रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी आ रही है। जो साथी हमें कमेंट कर रहे हैं, कपिल मैदान लगे रहो भाई दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई कपिल। हम जब तक लोगों की समस्या है वो समस्या आप सबके सामने लेकर आते रहेंगे, चाहे किसी भी वार्ड की हो, चाहे जो भी समस्या हो, वो समस्या हम प्रशासन तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करेंगे। असली कार्रवाई तो प्रशासन ही करेगा, लेकिन प्रशासन कब करेगा, कब प्रशासन जागेगा, कब इन लोगों की समस्या की तरफ ध्यान देगा, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। यहाँ पर जो सीवरेज है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं और पानी घरों के अंदर घुस रहा है, घरों के अंदर दरारें आ रही है और इसी की वजह से जो बनाए बनाए मकान हैं वो गिर सकते हैं, उनको भारी नुकसान हो सकता है। आज के दौर में मकान बनाना बहुत बड़ी बात है गरीब लोगों के लिए। असंध के वार्ड नंबर 6 से हम आपको लाइव दिखा रहे थे दोस्तों। अगर आपके पास भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9728389685, या हमारे चैनल से भी आप हमारा नंबर ले सकते हैं और हमें जानकारी के लिए, चाहे कोई भी समस्या हो या उसकी वीडियो, हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं, हम आपकी वो भी समस्या को उठाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप सबके सामने पहुंच रही हैं असंध के वार्ड नंबर 6 से ये लाइव तस्वीरें, BN24 आपकी अपनी आवाज, और मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। बीमारी तो बचा, इस बीमारी तो कड़ा बचा जी, ये देखो ना ये बीमारी सारी डाल लग रहा सब डाल का। और ये देखो बताइए पाइप है, देखिए बेटे कितना पानी जाओगे, देखिए और देखियो गंदगी दिखाइयो आप, क्यों कर जीव है आदमी। गंदगी यहाँ पर आप देख सकते हैं और पानी की निकासी तो यहाँ पर है ही नहीं, फिर कम बीमारी तो बचो, कड़े तो बचांगे, जो मर बालने आ गए यू हाल है, फिर कड़े जावांगे सीधी घर हम बढ़ेगी, बारिश आएगी जाए भर जाएगा, यू भी भर जाएगा, यू भी भर जाएगा, फिर कड़े जावांगे। कुछ और तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल लोगों की समस्या बहुत गंभीर है, यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि इस कबाड़ से कोई भी कीड़ा कांडा बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है।
और ये देखिए पूरी तरह से बंद है, ये बंद हो चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बी एन 24 पर। गली में सरदम झाड़ू लेकर लागे रहा, इसका रास्ता काटो और नहीं हम किसे तो वोट नहीं देवांगे, किसे की वोट नहीं देनी। क्या मांग रहे हो कि जल्द से जल्द आपकी समस्या? हाँ मैम, तो यही समस्या है जी, हमारी अधूर होनी चाहिए, हमारे खंभे पर ट्यूब लागनी चाहिए, कोई गली में चंदना नहीं है हमारी गली। मकान गिर गया नहीं, सरकार जिम्मेवार होगी ना, पानी बैठने लग रहा, देखो करेड़ा रही हमारे मकान में, देख लो देख लो, ये पानी मर के तो आ रही है, इसका दंड कौन देवेगा? सरकार देवेगी। गरीब आदमी कड़ा कड़ा तो बना होगा, बार बार कड़ा तो बनावांगे जी, देख लो जी, ये देख दूर की दूर है, और छह महीने मकान न हुए हैं, इतनी आड़ में देख लो जी। सर किसका मकान है? मेरा मकान है जी। ये देखिए मकानों के अंदर दरारें जरूर आ चुकी हैं, ये सब सीवर की वजह से है, सीवर की वजह से। इसका जिम्मेदार ये लोग जो सीवरेज बंद हो चुके हैं उसको मानते हैं। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सीवरेज है पूरी तरह से बंद हो चुका है, और अब ये पानी कहाँ जाए? ये दीवारों के अंदर जाएगा, नींव के अंदर बैठ जाएगा, और जिससे मकानों के अंदर दरारें जरूर आएंगी, नुकसान मकानों को नुकसान जरूर हो रहा है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं BN24 आपकी अपनी आवाज पर, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर भी आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। हाँ जी, डांगर भी बाहर बांध ले, वहाँ देखियो जी कितना पानी है, यहाँ तो इतने कल इतने यहाँ जानवर आ रहे थे। ऐसे ही जीव निकल कर आते हैं, लोग डरे रहते हैं हर समय, कुछ न कुछ जीव इससे गंदे पानी से निकलते हैं और उनसे डर रहता है लोगों को। तो दोस्तों अब आपसे लेते हैं इजाजत, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें कुछ और तस्वीरें लेकर, तब तक देखते रहें BN24। नमस्कार।